जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से सुल्तान बाहू सेंटर आलम रॉक में एक अजीम शान महफिल मिलाद मुनाकिद की गई, जिसमें जैयद उलमाए कराम, हुफाज़े कराम, सना ख्वाह मुस्तफ़ा और आशिकान रसूल की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तफसीलात देखिए शुएब राजपूत की रिपोर्ट में। उस नबी की निशानत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़्म में हिदायत पे। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से सुल्तान बाहू सेंटर आलम रॉक में एक अजीम शान महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया, जिसमें जैयद उलमाए कराम, हुफाज़े कराम, सना ख्वाह मुस्तफ़ा और आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस रूहानी महफिल की सरपरस्ती साहबजादा पीर फयाजुल हसन सरवरी कादरी ने की, जबकि मेहमान खसूसी साहबजादा सुल्तान नियाजुल हसन सरवरी कादरी थे। तकरीब का आगाज तिलावत कलामी पाक से किया गया, जिसके बाद सना ख्वाह मुस्तफ़ा ने मदनी आका की शान में कसीदे पेश किए। साहबजादा पीर सुल्तान फयाजुल हसन सरवरी कादरी और दीगर उलमाए कराम ने मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शान रिसालत पर सिर हासिल गुफ्तगू फरमाई। एक रिवायत में तो उसने कहा, या रसूलल्लाह, पहले मैं आपकी जुबान से जिक्र सुनता था, आज जरा आप दूर हो गए, आपके वजूद मेरे साथ मस करता था, आज जो हमने सुल्तान बहू सेंटर में मिलाद मनाया, ये रस्म नहीं है, आप आए हैं जितने लम्हात के लिए बैठे हैं, अभी सैयद सदाकत शाह साहब ने नाशे पढ़ी, आदि रमजान साहब का किसी की आंखों में आंसू है, अभी कि बिला पीर साहब बयान फरमाएंगे, मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि खजूर के तने का अमल देखिए कि पहले हुजूर की पुश्त अनवर लगा करती थी, अब जो नबी पाक के इश्क और हिजर में रोया है तो सरकार ने अपना उसे सीना लगा लिया, नमनशरा का सीना। ये है मिलाद की बरकत। हजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में अगर कोई रोता है और उससे एक, जैसे आदि रमजान दबाग साहब ने कहा, ये जो जिक्र सुनते हैं ना, इससे इससे फायदा होता है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साहबजादा पीर सुल्तान फयाजुल हसन सरवरी कादरी, मियां इत्तेहादी गुड्डू और दीगर ने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर अल्लाह पाक वाजे चेहरा और वो लैलो जुल्फे कहकर दुनिया पर वाजे कर दिया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के हवाले से यहाँ हम जमा हैं सरजमीन बर्मिंगम पर, और ये हमारा सेंटर हजरत सुल्तान बाहू मस्जिद और सेंटर एजुकेशन सेंटर, यहाँ माशाल्लाह बड़ी अजीम शान तकरीब हो रही है और हमारे मुंतज़मीन ने और यहाँ के आइमा खुतबा ने बड़ी मोहब्बत सी महफिल सजाई, शमा रिसालत के परवाने मौजूद हैं, और सच्ची बात तो यही है कि कोई भी बच्चा पैदा हो जाए तो लोग उसके बारे में बातें करते हैं कि किस पर गया है, रंग क्या है, शक्ल क्या है। हम तो उस नबी के मानने वाले हैं जिसके पैदा होने पर परवरदिगार ने नबी के मुखड़े को वह दुहा कहा बल और जुल्फ़ों को वह लैल इज़ा सजा कहा और वारफ़ा नला का ज़िक्र इरशाद फरमा कर फरमाया, सारी कायनात वालों सुन लो, बनाने वाला मैं हूँ तो मैं ही बताऊँगा कि मेरे नबी का ज़िक्र क्या है। हम तो खुश नसीब हैं कि अल्लाह की सुन्नत को लेकर चल रहे हैं और आज शमा रिसाल के परवाने यहाँ अपने कल्बी अकीदत का इजहार कर रहे हैं। आज सुल्तान बाहू मरकज़ आलम रॉक बर्मिंगम में अजीम शान महफिल ज़िक्र रसूल का इनेकाद हुआ और इलाके के मुख्तलिफ अफराद और तबका फ़िक्र के अफराद यहाँ शरीक हुए, एक अजीम जोश व खरोश और वलवला देखने में आया। मिलाद रसूल का खूबसूरत पैगाम हज़रत सुल्तान फयाजुल हसन साहब ने अपनी गुफ्तगू में दिया,
کہ یہ دین دین اسلام امن کا اور رواداری کا خوبصورت پیغام دیتا ہے اور کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ظلمتوں سے نکال کر ہدایت کے نور کی جانب لے جانے کی تھی اور اسی پیغام کو آج عام کرنے کی ضرورت ہے۔ ورفعنا لک ذکر، الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ان کی ولادت کا جو جشن ہم منا رہے ہیں آج، اللہ تعالیٰ کی بتائے ہوئے اس عمل اس بات کے اوپر ہم کر رہے ہیں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ورفعنا لک ذکر کا ارشاد فرمایا۔ الحمدللہ آج سلطان باہو سینٹر آل مراک برمنگھم میں ایک عظیم الشان سالانہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم منا رہے ہیں، جس میں ہم نے سب سے بڑی سعادت موئے مبارک شریف صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے ہم نے کی۔ الحمدللہ زائرین پورے برمنگھم سے اس موقع پر تشریف لائے ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اس عظیم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جو موقع تھا اس کی سعادت کا جو الحمدللہ ہم نے کیا، اللہ تعالیٰ اس کو مبارک کرے۔ ایک بات خصوصی طور پہ میں کہوں گا کہ جب ہم کسی بچے کی سالگرہ مناتے ہیں تو ہم اپنے خصوصی خصوصی چن چن کر اپنے رشتہ داروں کو دوستوں کو بلاتے ہیں، اور ہم کسی عام ہر پورے محلے کو یا پورے علاقے کو نہیں بلاتے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت کا جو موقع ہے الحمدللہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم، اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ ہی اس ولادت میں شامل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اس سعادت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محفل میلاد میں تشریف لانے والے شرکا کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موئے مبارک کی زیارت بھی کرائی۔ محفل کے اختتام پر فلسطین سمیت دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ شعیب راجپوت، دنیا